हेलो एजुकेटर्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुस्कॉट्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी बड़ी बड़ी लार्ज साइज की फाइल को छोटा कंप्रेस कर सकते हैं ताकि आप उसे सिक्योरली स्टोर कर पाओ अपने बैकअप के रूप में। अगर आप एक क्रिएटर हो या यूट्यूब पर या फिर किसी ऐप पर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, देयर इज अ नो सच गारंटी कि ये यूट्यूब और ये ऐप आपको अपना कंटेंट वापस कर दे। इसीलिए कहता हूं कि अपने कंटेंट को प्रॉपरली सेव करके रखे, बिल्कुल सिक्योर करके रखे। बट समस्या क्या, हमारे एक वीडियो तो बड़े बड़े साइज के होते हैं, कई जीबीज में होते हैं। अब कितनी हार्ड डिस्क, कितना स्टोरेज लगेगा, बड़ा महंगा होता है ना स्टोरेज। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ये वीडियो आप देख रहे होंगे। इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि कैसे आप किन किन डिवाइस में अपने वीडियो को स्टोर कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, जब भी कोई वीडियो अपने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना है तो उसमें उसे पहले कंप्रेस करना है ताकि उसकी साइज हम कम कर सके। अब ये सब कुछ कैसे होगा, ये सब कुछ आपको फ्री सॉफ्टवेयर की मदद से होगा जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में प्रेजेंट है। आपको कहीं नहीं जाना, आपको ही नहीं पता कि वो कंप्रेस करने वाला टूल आपके अपने सॉफ्टवेयर में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं VLC की, कि VLC की मदद से आप इजीली अपने सारे वीडियोस को कंप्रेस कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आपको अपना VLC प्लेयर ओपन करना है, कोशिश करिएगा अपडेटेड VLC प्लेयर रहे। मीडिया सेक्शन पे जाना है, यहां पर आपको जाना है कन्वर्ट पर। कन्वर्ट पर जाने के बाद में आपको यहां पर ऐड सेक्शन पर जाकर वो फाइल ऐड कर लेना है। तो मैंने इस लोकेशन पे अपनी फाइल बना के रखी हुई थी, तो मैं इस फाइल को रख लेता हूं जिसको मुझे कन्वर्ट करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं इस फाइल की साइज कितनी है। तो इस फाइल की साइज अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज सेक्शन में इसकी फाइल की साइज है 195 MB की फाइल है। मैं छोटी फाइल इसलिए ले रहा हूं, मैं जीबीज में भी ले सकता हूं पर कन्वर्ट होने में समय लगता है, इसलिए तो मैं 195 MB की फाइल को आपको कन्वर्ट करके दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया है ना। अब इसके बाद मैं सेव और कन्वर्ट पे जाता हूं, यहां पर मेरे पास में प्रोफाइल के मल्टीपल ऑप्शन होंगे। आप स्क्रॉल डाउन करके वीडियो फॉर यूट्यूब HD भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा H.264+MP3 तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको इसका डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है कि कहां पर ये सेव होगा। तो मैं अगेन उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में मेरा ऑलरेडी वहां पर सेव कर लेता हूं और इस वीडियो का नाम दे देता हूं, इस फाइल का नाम दे देता हूं न्यू, और मैं इसको सेव कर देता हूं। राइट, अब यहां पर स्टार्ट होता है। तो देखिए यहां पर ये VLC पे ये कन्वर्जन की प्रोसेस चल रही है, बहुत जल्दी हो जाता है। यह आपके सिस्टम पर भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है। अब देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस फोल्डर के अंदर जो मेरा डेस्कटॉप पे मैंने कन्वर्ट नाम का फोल्डर है, ये रहा। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूं तो यहां पे दो फाइल आ चुकी है ना। तो पहली वाली ओल्ड फाइल थी जो कितने एमबी की थी, अराउंड 195 MB की थी, और ये नई वाली फाइल जो न्यू फाइल के नाम से है, मैं इसकी साइज आपको बता दूं कि इसकी साइज कितनी है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जा रहा हूं तो ये 4 MB की हो गई है। मतलब सीधे सीधे आप देख रहे हो 195 से सीधे 4 का। एक और चीज, अब ये पैनल पे ही आपको मैं, ये 4 का पैनल है, बेंचमार्क का पैनल है ना, इसी बेंचमार्क के पैनल पे मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं इस फाइल को, कि सॉरी मैं आपको दिखाता हूं ये फाइल की क्वालिटी के। तो ये ओरिजिनल फाइल है जो 195 MB की फाइल है। राइट, अब इसी फाइल को मैं छोटी वाली फाइल, ये जो अपनी जो थी ना न्यू फाइल, इसको क्रिएट करके दिखाता हूं। ये देखो क्वालिटी में ऐसा फर्क दिख रहा है आपको, तो मुझे लगता नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी यहां पर नहीं दिख रहा है। तो ये इजी वे में आप कर सकते हो। तो मैंने अक्सर देखा है कि 7-8 GB की जो मेरी फाइल होती है वो फाइल आसानी से 900 MB 800 MB में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया VLC की मदद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आपको अपनी हर एक वीडियो को प्रॉपरली स्टोर करके सेव करके रखना है। पता नहीं कब किस रीजन से आपका YouTube चैनल डिलीट हो जाए। मैं चाहता नहीं हूं कभी डिलीट हो, बट हो जाए। शायद जिस ऐप पे आप पढ़ा रहे हो, जैसे ऐप की बात बता दूं तो हम लोग खुद आपको कस्टमाइज एप्लीकेशन बना के देते हैं, डेडिकेटेड एप्लीकेशन बना के देते हैं। तो अगर आप खुद की कोचिंग की एप्लीकेशन चाहते हो तो आप हमें नीचे इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि जिस ऐप वेंडर से आप ऐप बनवा चुके हो उसने आपको वीडियो देने को मना कर दिया, तो आप बोलो भाई ये चुना किसी और को लगा, मेरे पास सारे वीडियो का बैकअप है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके अलावा भी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो अगर आपकी फाइल साइज छोटी होगी और वो आप AWS सर्वर पे
या फिर वीमियो के सर्वर पे अपलोड करोगे तो अपलोडिंग टाइम बचेगा, उसके बाद में यहाँ पे कन्वर्टिंग टाइम बचेगा, और उसके बाद जब उसको बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बहुत इजीली फटाफट वो फाइल ट्रांसफर होगी। तो ये फायदा होता है एक्चुअल में फाइल साइज को छोटा करने का। आशा करता हूं कि आज से आप अपने सारे वीडियो को प्रॉपरली सेव करके रखेंगे, ताकि यही तो वीडियो आपके असेट्स है। तो मैं भी कई सालों से अपने जितने वीडियोस बना रहा हूं, सारे के सारे वीडियो एचडी क्वालिटी में कंप्रेस कर अपनी छोटी सी हार्ड डिस्क 1 TB की हार्ड डिस्क में सेव करके रख रहा हूं, ताकि कभी किसी रीजन से अगर मेरे वीडियोस मुझसे छीन लिए जाए या हट गए तो मैं अपने वीडियोस को फिर से प्री लॉन्च कर सकता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, स्टूडियो कंसल्टेंसी सर्विसेज को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।